स्टूडेंट्स, अभी जो टॉपिक मैं आपको डिस्कस यहां पर हम शुरू करेंगे वो है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कंपैरिजन करना है। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज बताई थी। अब हम यहां पर इनके बीच में कंपैरिजन देखेंगे। हम देखेंगे कि यहां पर कौन सा फोर्स कौन से फोर्स से कितना ज्यादा है, इस चीज के बारे में हम यहां पर अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो है, अगर हम दो प्रोटॉन ले लें, दो इलेक्ट्रॉन ले लें, या एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ले लें, इन केसेस को लेके हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला केस, अगर हम एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन लें, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आप पहले तो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालिए, फिर आप उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालिए और उसके बाद उनको कंपेयर कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा फोर्स ज्यादा है और कितना ज्यादा है। आपकी नॉलेज के लिए आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दो, जब हमने इनके डिफरेंसेस देखे थे उसे मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दिस इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बात होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी ग्रेविटेशन फोर्स से। अब वो कितनी ज्यादा होगी ये चीज यहां पर अब हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए क्या है, पहला केस, एक प्रोटोन हमने यहां पर लिया और इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर ले लिया। प्रोटॉन के केस में हम देखें, प्रोटॉन पे चार्ज हमने E से डिनोट किया, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज हमने E से डिनोट किया। प्रोटॉन के मास को हमने MP लिखा, इलेक्ट्रॉन के मास को हमने ME लिखा और इनके बीच में सेपरेशन हमने R लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0। फर्स्ट केस, E into E upon R square, equation number first. After that, gravitational force between proton and electron will be capital G into mass of proton into mass of electron upon R square. This is equation number second. Now, after comparing equation number first and second, we should get the values Fe upon Fg equals to, this is 1/4πε0 E square upon R square equals to mass of proton, mass of electron into G upon R square. Now, this R square will be cancelled out by this R square. We should get the values equal to E square upon 4πε0 mass of proton into mass of electron. Then we can put the values as E equal to 1.6 × 10⁻¹⁹ coulomb, 1/4πε0 is equal to 9 × 10⁻⁹ newton meter square per coulomb square. Mass of proton is equal to 1.67 × 10⁻²⁷ kilogram. Mass of electron is equal to 9.1 × 10⁻³⁶ kilogram. By putting all these values, we should get the result. Electrostatic force upon gravitation force between electron and proton is equal to 2.2 × 10⁻³⁹. यानी कि जब हम इन वैल्यूज को पुट करके यहां पर रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, then the result will become Fe upon Fg, यानी कि electrostatic force between proton and electron upon gravitation force between proton and electron will be equal to this. This shows that electrostatic force between proton and electron is greater than gravitation force between proton and electron by 10⁻³⁹ times. Now, again, second case, for an electron and electron. अगर हम
करें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के केस में, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में हम ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकालें, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालें, और दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ही हम जो है कूलम्बियन फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कैलकुलेट करें, तो उस केस में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट विल बी एफ ऑफ ई अपॉन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 10 to power 42. उस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो ग्रेविटेशन फोर्स से 10 टू पावर 42 टाइम्स ज्यादा है। थर्ड, अगर हम बात करें फॉर टू प्रोटॉन्स, यानी कि अगर दो प्रोटॉन्स के लिए करें तो क्या करें, वो कैसे, यानी कि एक प्रोटॉन यहां पर लिया, एक प्रोटॉन यहां पर लिया, इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स अगर कैलकुलेट करें तो उसका रेशियो हमारे पास आता है F of E upon F of G is equal to 10 to power 36. यानी के electrostatic force of interaction is greater than Newton's, यानी के Newton's gravitation force of interaction then by value 10 to power 36 times. ये हमारे पास comparison आता है electrostatic force और gravitation force between proton electron, between electron electron and between proton proton. This is the result. Now, next topic जो इसके बाद हम discuss करेंगे, this is on the page number 12. अब हमारे पास जो topic आया है, वो हमारे notes में page number 12 पे है. देखिए, page number 12 पे जो topic है, उसको discuss करें. सबसे पहली बात यहाँ पर आता है, topic का नाम क्या है? उसको अगर हम देखें, तो उसके बारे में हम यहाँ पर study करना शुरू कर देते हैं. हमारे topic का नाम है Principle of superposition. It's a very important for numerical point of view. Principle of superposition क्या है? इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हम क्या-क्या discuss करेंगे? उसको सुन लीजिए और ध्यान से सोचिए. Principle of superposition. देखिए. क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या इसके अंदर पढ़ा गया है, क्या इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं, उसको हम यहां पर स्टडी करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, कहता क्या है, इसके बारे में हम क्या डिस्कशन कर सकते हैं, उसको हम यहां पर ध्यान से सुनते हैं. पहली बात, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप मेरी बात को समझ लीजिए क्या है. आपने यहां पर एक टेस्ट चार्ज ले लिया, ये रहा इस टेस्ट चार्ज को हमने यहां पर लिया, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट, और इस टेस्ट चार्ज को हमने यहां ओ पॉइंट पे रखा है. तो ये हमारा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है जिसको हमने ओ पॉइंट पे रखा है. इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस और भी हैं. पहला चार्ज क्यू वन है, दूसरा चार्ज क्यू टू है, तीसरा चार्ज क्यू थ्री है, इस तरीके से बहुत सारे चार्जेस हैं, और यहां पर सबसे लास्ट वाला चार्ज दिस इज क्यू एन, ये हमें मिला हुआ है, ये यहां पर हमें मिला है. तो बात बताइए, यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले लिया, उसके बाहर बहुत सारे चार्जेस हैं, ये सारे के सारे चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं, ये चार्ज टेस्ट के पर्पस से लिया है, बहुत छोटा है, दैट्स व्हाई दिस इज नेम एज टेस्ट चार्ज. इन सभी चार्जेस का फोर्स इसके ऊपर कैलकुलेट करना है, इसके बारे में हम बात करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमें पढ़ना क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें ये कहता है, क्या कहता है उस चीज को, अब आप पूरे प्रॉपर तरीके से यहां पे समझिए. सबसे पहले आपको उसकी स्टेटमेंट बनेगी कैसे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. देखिए, पहले समझ लेना इस चीज को, आपके पास यहां पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट दे रखा है, ये सारे के सारे अलग अलग चार्जेस हैं, इसको हटा लो तो बताइए यहां पर कितने चार्जेस बने, ये क्यू वन, ये क्यू टू, ये क्यू थ्री, अप टू लास्ट में ये क्या है क्यू एन, तो इस पॉइंट चार्ज को छोड़ के, टेस्ट चार्ज को छोड़ के यहां पर एन चार्जेस बने हैं, ये सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, ये सारे के सारे चार्जेस मिलके इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेंगे, वो फोर्स अट्रैक्टिव होगी, रिपल्सिव होगी. आप सोचिए, ये सारे पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, तो ये सारे के सारे चार्जेस मिलके इसको रिपेल करेंगे. इस पे जो टोटल फोर्स लगेगी, वो टोटल फोर्स हम लोगों को कैलकुलेट करनी है,
एंड वो टोटल फोर्स हम लोग जब कैलकुलेट कर लेंगे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए एक स्टेटमेंट तैयार हो जाती है। देखिए कैसे करेंगे, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, जब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा तो ठीक है, यहां पर इस चार्ज ने इस चार्ज को इधर रिपेल किया, ये रहा। तो बात बताइए, इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज को इधर रिपेल किया, इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं, दिस इज फोर्स है किस पे, क्यू नोट पे, किसकी वजह से, क्यू वन की वजह से, इस फोर्स को कहेंगे एफ ऑफ जीरो वन, मतलब फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू क्यू वन। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप, ये वाला क्यू टू भी इस क्यू नोट को रिपेल करेगा, ये वाला क्यू टू इस क्यू नोट को जहां रिपेल करेगा उस डायरेक्शन को ले लेते हैं। लीजिए ये वाली फोर्स है, इसको क्या नाम दोगे, एफ ऑफ जीरो टू, ये लीजिए नाम क्या है, फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू क्यू टू। इन द सेम सेंस थर्ड फोर्स को ले लो, ये वाली फोर्स तीसरे वाली फोर्स है, इस वाली फोर्स को अगर लोगे तो ये वाली फोर्स कौन लगा रहा है, थर्ड चार्ज किसके ऊपर, क्यू नोट के ऊपर। इस फोर्स को क्या लिखोगे, इस फोर्स को हम नाम देंगे यहां पर, दिस इज एफ ऑफ जीरो थ्री। इन द सेम सेंस लास्ट वाला जो क्यू एन चार्ज है, ये वाला चार्ज भी इस टेस्ट चार्ज क्यू नोट को रिपेल करेगा, कौन सी फोर्स से, देख लीजिए ये वाला चार्ज इसको यहां पर रिपेल करेगा, कौन सी फोर्स से रिपेल करेगा, वो फोर्स मैं यहां पर दिखा देता हूं, दैट फोर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो एन, फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू क्यू एन। अब यहां से लेकर यहां तक जाए तो रास्ता कौन सा है जरा बताएंगे, जब यहां से लेकर यहां तक जाएंगे तो हमारे पास जो पाथ होगा वो वाला पाथ ये रहा, और ये रास्ता कहां से कहां है, Q1 से लेकर Q0 तक का, इसको नाम दिया R10, यानी के डिस्टेंस फ्रॉम Q1 टू Q0, इसको क्या कहोगे, दिस इज R20, डिस्टेंस फ्रॉम Q2 टू Q0, दिस इज R30, डिस्टेंस फ्रॉम Q3 टू Q0, दिस इज R n naught, distance from Qn to Q0. Now, first of all, we should put the value of f of 0, 1. What is the value of f of 0, 1? Jara batao ki kitni value hai. F of 0, 1 is equal to Q1 into Q0 upon 4 pi epsilon naught into separation kitna hai dono ke beech mein? Ye raha. Kitna hai? R10 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और साथ में क्या लिखोगे, R10 का यूनिट वेक्टर, साथ में F of 02 बताओ क्या लिखोगे, इट शुड बी Q2 into Q0, ये किस किस के बीच का फोर्स है पहले देख लीजिए, Q2 और सॉरी Q2 और Q0 के बीच का फोर्स, ये Q2 इस Q0 को इधर रिपेल करेगा, इस फोर्स से रिपेल करेगा, ठीक, इस फोर्स से रिपेल किया, सॉरी Q1 ने Q0 को इधर रिपेल किया, इस फोर्स से रिपेल किया, Q2 ने Q0 को इधर रिपेल किया, इस फोर्स से रिपेल किया, इस तरीके से आप सेकंड फोर्स लिखेंगे 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 into Q0 upon डिस्टेंस, देखिए इनके बीच में Q2 और Q0 के बीच में ये रहा कितना है, दिस इज R20 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, साथ में R20 का यूनिट वेक्टर। इन द सेम सेंस आप चलते रहिए, मुझे सिर्फ अब आपसे ये जानना है, इस टेस्ट चार्ज Q नोट ने इस चार्ज Q नोट, इस चार्ज पॉइंट चार्ज Qn ने इस टेस्ट चार्ज Q नोट को कितनी फोर्स से रिपेल किया है, फोर्स आपके पास ये रही, डिस्टेंस इनके बीच का ये रहा, बताइए हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स, दिस इज F ऑफ 0n इक्वल्स टू Qn into Q0 upon 4 pi epsilon naught Rn naught के magnitude का square Rn naught का unit vector. Now, these are the different forces which are applied by these charges on this indivisible charge. ये वो अलग-अलग forces हैं ये रही, जो ये सभी के सभी charges मिलके इस अकेले चार्ज पे अप्लाई करते हैं। अगर हम टोटल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम इन सभी फोर्सेस को ऐड कर देंगे, उससे इन सब ने मिलके
इस पे कितनी फोर्स लगाई है वो फोर्स हमें मिल जाएगी। सो हम इन सभी फोर्सेस का सम करते हैं। अब आप सोचेंगे सर सम किया तो कैसे किया, इस सारे के सारे वेक्टर्स हैं तो इनका कौन सा सम करूं, वेक्टर सम करूं, तो मुझे इन सब का वेक्टर सम करना है। उसके लिए अब अगर इन सब फोर्सेस को ऐड कर दूं तो इससे क्या मिलेगा, इन सभी चार्जेस ने इस टेस्ट चार्ज क्यू नोट पे जितनी फोर्स लगाई है उनका सम मुझे मिल जाएगा। इसलिए उस टोटल फोर्स को नाम देते हैं एफ नोट। वो किस किसका सम है, वो सम है इन सभी फोर्सेस का, कितना, एफ ऑफ 01 प्लस एफ ऑफ 02 प्लस एंड सो ऑन लास्ट में एफ ऑफ 0n। चलिए आगे, एफ नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ 01 ये रहा, एफ ऑफ 02 ये रहा, एफ ऑफ 03 ये रहा, इस तरह चलते चलते एफ ऑफ 0n भी आपको मिल गया। आप जब इन सबको ऐड करेंगे तो उस केस में जो जो कॉमन है वो बाहर निकाल लीजिए। आप देखिए यहां पर Q नोट सब में कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट सब में कॉमन है, आपको यहां पर अंदर क्या मिला, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल Q1 अपॉन और क्या है R1 नोट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और क्या है R1 नोट का यूनिट वेक्टर, साथ में Q2 अपॉन और क्या है R2 नोट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और क्या है R2 नोट का यूनिट वेक्टर। इन अ सेम सेंस सबसे लास्ट में आपको क्या मिला, दिस इज Qn अपॉन Rn नोट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, Rn नोट का यूनिट वेक्टर। आगे चलिए, सबसे लास्ट आपको जो मिली है वैल्यू, ये आपको रिजल्ट मिला, इसमें Q नोट आपने बाहर निकाल लिया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट भी आपके पास आ गया। अब आप ध्यान से देखिए आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, मैं एक चीज यहां पर समझ गया हूं, आप भी समझ गए होंगे। यहां पर देखिए ये Q1 है, ये Q2 है, एंड सो ऑन चलते चलते ये Qn है, यानी कि मैं इसकी जगह एक जनरल वैल्यू लिख सकता हूं। मैंने यहां पर लिखा दिस इज Qi अपॉन में, यहां R1 नोट है, R2 नोट है, अप टू एंड सो ऑन Rn नोट है, इसको क्या लिखोगे, दिस इज Ri नोट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, साथ में यहां R1 नोट है, R2 नोट है, अप टू Rn नोट है, क्या लिखोगे Ri नोट का यूनिट वेक्टर। और ये I की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, फ्रॉम 1 अप टू n, हर केस में देखिए 1 अप टू n, 1 अप टू n, 1 अप टू n, यहां पर आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 अप टू n। इस तरह से आपके पास इंडिविजिबल जितने भी चार्जेस हैं वो सभी एक एक करके इस टेस्ट चार्ज पे जितनी फोर्स लगाएंगे आपको वो सम मिल जाएगा, और जब वो सम मिलेगा वही आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इन द लास्ट टर्म इसकी स्टेटमेंट क्या बनती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेज दैट टोटल फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल फोर्सेस अप्लाइड ऑन दिस टेस्ट चार्ज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। एक टेस्ट चार्ज पे सारे चार्जेस मिलकर के जितनी फोर्स लगाएंगे उन सभी फोर्सेस का अगर हम वेक्टर सम कर दें तो वो वेक्टर सम हमारे पास क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ये हमारे पास दूसरा टॉपिक बनता है, इससे नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।